आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज की वीडियो में हम लोग WCL क्वेश्चन पेपर 2016 फॉर सरदार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो देर न करते हुए चलिए उद्घाटन करते हैं आज की वीडियो का। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following method is adopted to break the methane layering? मीथेन की परत तोड़ने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1, increased air velocity, हवा की गति बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर 2, venturi blower। ऑप्शन नंबर 3, methane probe। एंड ऑप्शन नंबर 4, water spraying, पानी का छिड़काव करके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, venturi blower। Now let's move towards the next question, which is question number 37. As per as CMR, the minimum number of inspection to be done by Mining Sardar in respect of all roadways and the working places at which person are engaged and required to access is? CMR के अनुसार Mining Sardar अपनी shift में कम से कम कितनी बार सभी रास्तों और वर्किंग प्लेसेस की जांच करेंगे जहां लोग काम करते हैं या आना जाना करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1, एक बार। ऑप्शन नंबर 2, दो बार। ऑप्शन नंबर 3, तीन बार। एंड ऑप्शन नंबर 4, नो सच स्टिपुलेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दो बार। इससे रिलेटेड रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 129 एग्जामिनेशन बाय सरदार। Now let's discuss next question, which is question number 38. In underground mines, air should not contain oxygen less than? भूमिगत खान की हवा में कम से कम कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, 18%। ऑप्शन नंबर 2, 17%। ऑप्शन नंबर 3, 19%। एंड ऑप्शन नंबर 4, 20%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 19%। और इससे रिलेटेड रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 153। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन स्टेमिंग इज इनसफिशिएंट देन देयर इज अ चांस ऑफ, जब शॉर्ट होल की ठसानी ठीक से नहीं होगी तो इनमें से किसकी होने की संभावना रहेगी? ऑप्शन नंबर 1, एक्सेसिव वाइब्रेशन, अत्यधिक कंपन। ऑप्शन नंबर 2, ओवर ब्रेकेज ऑफ कोल, कोयला का अधिक टूटना। ऑप्शन नंबर 3, हाई पाउडर फैक्टर। एंड ऑप्शन नंबर 4, ब्लोन आउट शॉट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ब्लोन आउट शॉट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच ड्रिलिंग पैटर्न इज प्रेफर्ड इन अंडरग्राउंड माइन? अंडरग्राउंड माइन में कौन सी ड्रिलिंग पैटर्न को प्रिफर किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1, वेज कट। यहाँ वेज कट का स्पेलिंग गलत है तो इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, फैन कट। ऑप्शन नंबर 3, ड्रैग कट। एंड ऑप्शन नंबर 4, क्रोमेंट कट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वेज कट। ड्रैग कट का प्रयोग स्मॉल ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है, क्रोमेंट कट का प्रयोग टनलिंग में किया जाता है, फैन कट का प्रयोग अंडरग्राउंड माइन में किया जाता है, लेकिन वेज कट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फैन कट के मुकाबले। देयरफॉर आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, वेज कट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज रिक्वायर टू पैरेलल ट्रैक्स साइड बाय साइड? इनमें से कौन सी हॉलेज में दो पैरेलल ट्रैक्स की जरूरत होती है? ऑप्शन नंबर 1, टगर हॉलेज। ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट रॉप हॉलेज। ऑप्शन नंबर 3, एंडलेस रॉप हॉलेज। एंड ऑप्शन नंबर 4, टेल रॉप हॉलेज। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, एंडलेस रॉप हॉलेज। Next is question number 42. As far as mining regulation, for every shaft exceeding 100 meter in depth and during hoisting of men, the speed should not exceed? Regulation के अनुसार 100 meter से अधिक गहरी shaft में लोगों को ऊपर उठाने के दौरान अधिकतम कितना speed होना चाहिए?
ऑप्शन नंबर 1 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर 4 5 मीटर पर सेकेंड। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हॉट एंड डीप माइंस? गहरे और गर्म खान के लिए कौन सी वेंटिलेशन का तरीका प्रयोग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एसेशनल, ऑप्शन नंबर 2 डिसेशनल, ऑप्शन नंबर 3 एनी ऑफ द टू एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 डिसेशनल वेंटिलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द मैक्सिमम सुटेबल हॉलेज डिस्टेंस फॉर SDL टू गिव बेस्ट परफॉर्मेंस? SDL वर्किंग फेस से कितनी मीटर दूरी में लोडिंग करने से अधिक उत्पादकता दे? ऑप्शन नंबर 1 अप टू 25 मीटर ऑफ हॉलेज लेंथ, ऑप्शन नंबर 2 अप टू 50 मीटर ऑफ हॉलेज लेंथ, ऑप्शन नंबर 3 अप टू 75 मीटर ऑफ हॉलेज लेंथ एंड ऑप्शन नंबर 4 अप टू 100 मीटर ऑफ हॉलेज लेंथ। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 अप टू 25 मीटर ऑफ हॉलेज लेंथ। And the last question of today's video is question number 45. Optimum rate of stone dusting in underground coal mines is? भूमिगत कोल खान में स्टोन डस्ट छिड़काव करने की ऑप्टिमम रेट क्या है? ऑप्शन नंबर 1 1 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर 2 2.5 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर 3 5 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड एंड ऑप्शन नंबर 4 10 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 2.5 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और एक माइनिंग स्टूडेंट की ताकत दिखाएं और इसे माइनिंग फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप हमारी माइनिंग की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। टिल देन एज यूजुअल, जय हिंद, जय भारत।